हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, जो कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, बार बार बैटरी क्या होती है, डाउन कर जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया। यानी कि 5 से 6 बैटरी हमने लगा दिया, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। क्या होता है, 1 महीना चलता है बैटरी, फिर डाउन हो जाता है। यानी कि फिर चार्ज करते हैं तब चलता है, चार्ज करने के बाद फिर सेल्फ लेने लगता है, उसके बाद फिर क्या होता है, 1 महीने के बाद फिर बैटरी ख़राब हो जाता है, यानी कि सेल्फ नहीं लेने लगता। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, बैटरी दूसरा देना पड़ता है, क्योंकि गारंटी रहता है। तो यानी कि हम 5 से 6 बार बैटरी बदल चुके हैं, लेकिन परेशानी दूर नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूँ, वो बैटरी का परेशानी नहीं था, तो क्या परेशानी था वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद जब मैंने सॉल्व को ढूंढा, मैंने कई बार उसका चार्जिंग कॉइल बदला, ठीक है, उसके बाद सारा चीज़ वायरिंग वगैरह चेक किया, लेकिन प्रॉब्लम जो था वो हमारा इसके अंदर था, और इसको आप जानते ही होंगे, इसका नाम है रिले। यानी कि क्या होता था, ये सेल्फ जब मारते तो सेल्फ बिल्कुल टनाटन लेता था, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता था, ठीक है। यानी कि बैटरी 1 महीने के बाद जो होता था वो डाउन हो जाता, 1 महीना 15 दिन 2 महीने के बाद बैटरी क्या होता था, काम नहीं करता था, यानी डिस्चार्ज हो जाता था। जब हम चार्ज करके लगाते थे फिर काम करता था, फिर उसके बाद तीसरा बार क्या होता था, वो बैटरी काम ही नहीं करता था, फिर हम नया लगाते थे तब जाके सेल्फ लेता था। ऐसे करके हमने 5 से 6 बार बैटरी को लगाया, तब जाके काम जो है हमारा प्रॉब्लम जो है, तब जाके हमने सोचा समझा, बहुत प्रयास किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, हमारा माइंड जो है खिसक गया, मैं काफ़ी परेशान हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो, कई बार ऐसा भी होता है कि बैटरी से ही तो कनेक्ट रहता है, रिले सेल्फ से ही कनेक्ट रहता है, तो एक बार हम इसे बदल देते हैं। तो मैंने गाड़ी के अंदर ये रिले बदला, तब जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और सॉल्व होने के बाद अभी 1 से 1.5 महीना बाइक चल गई, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आपको ये रिले बदल कर एक बार देख लेना चाहिए। गाड़ी है भाई, कुछ से कुछ बीमारी आते ही रहता है। हालांकि इस तरीके से प्रॉब्लम मेरे साथ कभी नहीं आया था, और आज मुझे 10 साल हो गया दुकान चलाते चलाते, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। एक रिले का प्रॉब्लम था, और जिसमें मैंने 5 बार बैटरी बदल दी। ये कम बड़ी बात नहीं होती है, कस्टमर भी परेशान हो गया था, मैं भी परेशान हो गया था। अपने आप को यही लगता था कि मैं काम ही छोड़ दूँ, ऐसा होता है भाई, मूड खराब हो गया, ठीक है। तब जाके ये हमारा प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया। तो आपको कभी भी दिक्कत हो तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, रिले बदल कर आप चेक कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज अगर बार बार होता तो लोग कंडीशनर लगाते हैं, चार्जिंग कॉइल बदलते हैं, यही सबसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन नहीं, आज हमारा सॉल्व जो हुआ है रिले बदल कर हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको हमको डायरेक्ट आप हमसे बात करना चाहते हैं, या कोई भी तरह का दिक्कत होता है आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है, आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको नंबर दूंगा, ठीक है। तो और ये गाड़ी जो थी वो मैं आपको बताने के लिए भूल गया, वो गाड़ी है ड्रीम योगा, जिसके अंदर प्रॉब्लम आया था। अब ड्रीम योगा में आप जानते हैं कि ये हीरो का भी रिले लगता है और होंडा का भी रिले लगता है। होंडा का लीजिएगा 125 लगेगा, और हीरो का लीजिएगा तो 120 रुपये के लमसम में हो जाएगा, ठीक है, बाकी रहता है दोनों सेम। आप पैसा बचाना चाहते हैं तो हीरो का लगाइए, ठीक है, अगर आपका दिल करे होंडा का लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा पैसा लगेगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, जब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद, जय माता दी।